हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सियासत बहुत ज़्यादा जो है वो गर्माहट, सियासी गर्माहट हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश से बाहर हैं और वहाँ तेलंगाना में उन्होंने आज तिरुपति, भगवान तिरुपति जी के जो दर्शन किए वहाँ पर पूजा अर्चना की। एक तरफ मुख्यमंत्री बाहर है प्रदेश से, दूसरी तरफ यहाँ सियासी गर्माहट में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने आज भी कई उनके नेताओं ने कई तरह के तंज कसे और कई सियासी घटनाक्रम आज भी प्रदेश में रहे हैं, उनकी हम चर्चा जो है वो आपसे इस बुलेटिन में करेंगे। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल भगवान तिरुपति के का आशीर्वाद लेकर जो है वो वापस लौटेंगे, यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में वापस जो है वो आ जाएंगे। तो सीएम आज जो है वो तेलंगाना में है, उन्होंने रविवार को भगवान तिरुपति जी के दर्शन किए, एक वीडियो जो है वो उनका वायरल हुआ, उस वीडियो में बताया गया कि मुख्यमंत्री वहां पर बालाजी के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं, परिवार के साथ हैं, उनके साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं राजेश धर्माणी वो भी परिवार के साथ हैं और मीडिया एडवाइज़र नरेश चौहान भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं, अपने परिवार के साथ वो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं। तो तिरुमाला से सीधे चंडीगढ़ जो है वो मुख्यमंत्री लौटेंगे, मंगलवार को उनका शिमला पहुँचने का कार्यक्रम है, इसके बाद वो मंत्रियों के साथ यहाँ पर बैठक करेंगे, यहाँ पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ भी उनकी बैठक रखी गई है। तो इस बैठक में कई तरह की चर्चाएँ जो है यहाँ पर होंगी। अभी पिछले 3-4 दिन से मुख्यमंत्री जो है वो अपने निजी दौरे पर जो है वो बाहर गए हैं, हालांकि उन्होंने तेलंगाना में उनका पॉलिटिकल कार्यक्रम भी था उसमें भी वो शामिल हुए हैं। तो इस तरह का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। अन्य खबरों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के 4 चेहरे फाइनल कब तक होंगे, इसको लेकर हम अगर चर्चा करें तो दिल्ली में कांग्रेस के 4 चेहरों को फाइनल करने के लिए जो है वो बैठक होने जा रही है, आपको बता दें, और अगले सप्ताह इस पर जो है वो मोहर लग जाएगी। वो 4 चेहरे कौन होंगे ये खुलासा जो है वो 4 तारीख को या फिर 6 तारीख को हो सकता है, क्योंकि जो CEC सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है वो दिल्ली में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे उसके बाद एक बार फिर उनका जो है वो दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनेगा। तो दिल्ली में बैठक जो है वो 4 तारीख को भी संभावित है और 6 तारीख की डेट तो इसमें दी गई है। तो CEC की बैठक होगी, उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के 4 चेहरे जो लोकसभा के प्रत्याशी घोषित किए जाने हैं उसकी संभावना यहां पर जो है वो इस बैठक में बढ़ चुकी है। आपको बता दें मंडी और हमीरपुर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर स्थिति लगभग कांग्रेस की तरफ से क्लियर है। हमीरपुर से सतपाल सिंह रायजादा जो है वो प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, अभी मोहर लगनी बाकी है लेकिन चर्चा जो है वो उसके नाम, इनके नाम पर जो है वो हो चुकी है। मंडी से प्रतिभा सिंह जो है वो कांग्रेस के सामने एक दमदार प्रत्याशी के रूप में मौजूद हैं। तो हालांकि वैसे प्रतिभा सिंह ने पहले इनकार कर दिया था मगर हाईकमान ने उन्हीं पर दाव खेलने के लिए उन्हें तैयार कर दिया है। कांगड़ा से आशा कुमारी जो पुरानी नेता हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, उनका नाम जो है वो सबसे आगे इस वक्त चल रहा है। और भी कुछ नाम है लेकिन अब तक फाइनल कुछ इस पर नहीं हो सका है। अभी शिमला पर जो है वो पूरी तरह से असमंजस बना हुआ है, शिमला में कई तरह के समीकरण बदलते जा रहे हैं, यहां पर कई नाम जो है वो कांग्रेस पार्टी के सामने जो है वो आ रहे हैं। 16 लोगों ने यहां पर आवेदन कर रखा है लेकिन आवेदनकर्ताओं के से अलग उनसे बाहर भी जो है वो कुछ और चेहरों की यहां पर तलाश की जा रही है। तो देखना होगा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से अभी कौन होगा, अभी कोई भी नाम यहां से जो है वो प्रमुख तौर पर नहीं लिया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 तारीख को वापस दिल्ली जो है वो जा सकते हैं और माना जा रहा है कि 4 या 5 तारीख को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए लड़ने वाले जो प्रत्याशी होंगे उनको फाइनल कर दिया जाएगा। इस दिन प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो इस बैठक में के लिए प्रतिभा सिंह कांग्रेस अध्यक्ष वो भी जाएंगी, मुकेश अग्निहोत्री भी जो है वो दिल्ली जा सकते हैं। तो इस तरह कांग्रेस पार्टी जो है वो अगले सप्ताह तक अपने 4 टिकट जो है वो फाइनल यहां पर कर देगी। हालांकि अभी जो विधानसभा उपचुनाव भी है हिमाचल प्रदेश में 6 सीटों पर, उन सीटों पर अभी जो है वो प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से नहीं आएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी अपने प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिए हैं जो फील्ड में उतर भी चुके हैं। इससे पहले यहां पर विधायकों की राय लेने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो बैठक करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी टिकट घोषणा से पहले अपने विधायकों, पूर्व विधायकों और पूर्व प्रत्याशियों से जो विधानसभा चुनाव में जो है वो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं उनसे भी जो है वो चर्चा करेगी, उनसे राय मशवरा किया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी कि 4 संसदीय क्षेत्र में उनके उनके एरिया से कौन दमदार जो है वो प्रत्याशी हो सकता है। इसके लिए शिमला संसदीय क्षेत्र की बैठक जो 3 तारीख को होनी थी वो अब 2 अप्रैल को जो है यहां पर बुलाई गई है। वहीं मंडी में भी 3 अप्रैल को प्रभारी जो वहां के हैं विक्रमादित्य सिंह वो बैठक करेंगे, विधायक और पूर्व विधायक भी उनकी बैठक में जो है वो शामिल रहेंगे। तो बैठक बुलाई गई है जिसमें कौल सिंह ठाकुर भी होंगे और दूसरे बड़े नेताओं को भी वहां पर बुलाया गया है। तो इस तरह से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रभारी के तौर पर चंद्र कुमार की है और हमीरपुर की जिम्मेदारी हर्षवर्धन चौहान के पास है। इन सभी का फीडबैक दिल्ली की जो बैठक होने वाली है उससे पहले लिया जाएगा और प्रभारी राजीव शुक्ला को ये लोग अपनी रिपोर्ट इन बैठकों के बाद जो है वो भिजवा देंगे। तो 4 तारीख से पहले पहले ये रिपोर्ट भी जो है वो दिल्ली चली जाएगी और कुल मिलाकर जितने भी नाम होंगे उन पर चर्चा करके नाम, एक एक नाम जो है वो फाइनल कर दिया जाएगा 4 संसदीय क्षेत्रों।
से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी में जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो बागी हुए थे, जो बगावत कर चुके थे नेता, उन लोगों की एंट्री जो है वो अब शुरू हो चुकी है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बगावत करने वालों को वापस लेना जो है वो शुरू कर दिया है। आज पार्टी की ओर से एक लिखित आदेश जो है वो जारी हुआ है। इसके मुताबिक सुला विधानसभा क्षेत्र से जगजीवन पाल की एंट्री हो गई है, आनी विधानसभा क्षेत्र से परसराम की एंट्री हो गई है और उनको पार्टी में जो है वो वापस ले लिया गया है। इनके साथ साथ कुल्लू जिला के जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के बुद्धि सिंह ठाकुर, उनकी भी वापसी जो है वो पार्टी में कर दी गई है। तो कुछ और लोगों को भी वापस लेने की तैयारी है कांग्रेस पार्टी में। और इस संबंध में अनुशासन समिति की अध्यक्ष विप्लव ठाकुर को अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया है। विप्लव ठाकुर के पास ऐसे कई नाम है उन नेताओं के जो विधानसभा चुनाव में जो है वो कांग्रेस से बगावत कर गए थे, कहीं किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, किसी ने उन निर्दलियों का जो है वो सहयोग किया है। तो ऐसे में उनकी वापसी, घर वापसी जो 6 साल बाद होनी थी वो अब इसी वक्त होनी शुरू हो गई है। उनको भी इस बात का बड़ा फायदा हुआ है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जो है वो वापस यहां पर ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की इस वक्त जो है वो मान मुनव्वल की बातें चल रही है। जयराम ठाकुर ने मोर्चा संभाला हुआ है बड़े नेताओं को मनाने का, उनके घर जाकर मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है वो वहां पर साथ में थे। होशियार सिंह जो देहरा से विधायक हैं लेकिन त्यागपत्र दे चुके हैं, अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, वो उनके साथ थे। साथ ही कुटलैहड से भाजपा ने देवेंद्र भुट्टो को जो है वो टिकट दिया है, वो भी धूमल से मुलाकात के लिए साथ गए थे। उन्होंने धूमल का आशीर्वाद वहां पर लिया और उनसे काफी बातचीत वहां पर की। इनसे पहले आपको बता दें राजेंद्र राणा जो जिनका 36 का आंकड़ा जो है वो धूमल परिवार के साथ माना जाता था, वो भी पिछले दिनों राजेंद्र राणा वो भी गए थे प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात करने। और इंद्रदत्त लखनपाल जिनको बड़सर से भाजपा ने टिकट दिया है, कांग्रेस के बागी हैं, उनको वो भी धूमल का आशीर्वाद लेने के लिए जो है वो वहाँ उनके घर तक पहुँच चुके हैं। एक तरफ ये नेता जो है इन्होंने आज मुलाकात की है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ, दूसरी तरफ सुधीर शर्मा जो कांग्रेस से बागी होकर अब धर्मशाला से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्होंने भी पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के घर जाकर उनसे आशीर्वाद लिया। बड़े नेताओं को साथ लेने के लिए इन दिनों खासी कसरत जो है वो भाजपा के ये नेता कर रहे हैं। खुद जयराम ठाकुर ने जो है वो मोर्चा संभाला हुआ है, बड़े नेताओं से मिलने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कई नेताओं को जो है वो उनके साथ मान मुनव्वल भी किया, उनको मना भी लिया है। पिछले कल वीरेंद्र कंवर जिनको कुटलैहड़ से टिकट भाजपा का नहीं मिल सका, उनके साथ भी मान मुनव्वल का दौर चला और वो भी भाजपा के साथ हो चुके हैं। तो ऐसे रूठे हुए नेताओं को मनाने के लिए खुद जयराम ठाकुर फील्ड में उतरे हुए हैं और सभी को मनाकर साथ लेकर आगे चलने की रणनीति पर जो है वो काम कर रहे हैं। एक तरफ जयराम ठाकुर लगे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के देशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी इसी उद्देश्य में जुटे हुए हैं। वो भी जगह जगह जा रहे हैं और रूठे हुए नेताओं को जो है वो मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये कवायद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कितनी सफल होती है, नेताओं की कसरत ये कितनी कामयाब होती है, ये आने वाला समय बताएगा। आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं मंडी संसदीय क्षेत्र से, उनसे भी मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष आज मंडी संसदीय क्षेत्र के की प्रत्याशी कंगना रनौत के जो है वो घर पर गए, उनके घर पर जाकर उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान कंगना ने उनका स्वागत वहां पर किया और कई मुद्दों पर जो है वो इन दोनों नेताओं की चर्चा हुई। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो हमीरपुर के लिए जो है वो निकल गए। तो जयराम ठाकुर ने कंगना को टिकट मिलने की बधाई दी और शुभकामनाएं दी और प्रचार अभियान की रूपरेखा को लेकर जो है वो इन दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक दिलीप ठाकुर भी जो है वो मौजूद रहे। तो इस तरह से ये कांग्रेस और भाजपा की जो राजनीतिक गतिविधियां हिमाचल प्रदेश में चल रही है, ये उस पर एक रिपोर्ट थी। आज क्या कुछ खास हुआ है इसकी जानकारी हमने आपको दी। अन्य खबरों की बात करें तो कर्मचारियों को कल से वित्तीय लाभ मिलेंगे। सरकार ने बजट में घोषणा की है कि 1 अप्रैल को वेतन के साथ कर्मचारियों को डीए का लाभ भी मिल जाएगा। मार्च महीने से उनके लिए डीए घोषित किया गया है। हालांकि इसका एरियर जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, जिसकी अधिसूचना नहीं हो सकी। एक बार अधिसूचना होने के बाद उसको वापस ले लिया गया था, तो एरियर पे अभी असमंजस है, लेकिन डीए की किस्त जो है वो अब कल जो वेतन मिलेगा कर्मचारियों को उसके साथ मिल जाएगी। ये 4% डीए की किस्त है। वेतनमान के एरियर का फार्मूला जो है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अभी छठा वेतनमान जो है उसका भी एरियर कर्मचारियों को दिया जाना है, उसके लिए फिलहाल जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो पेंशनर है, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं प्रदेश के, उन्हें लीव इनकैशमेंट ग्रेच्युटी के लाभ जो है वो मिलने कल से शुरू हो जाएंगे। उनके खाते में कल ज्यादा पैसा आएगा। लीव इनकैशमेंट और पेंशन की ग्रेच्युटी का जो पैसा है वो इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कल से मिल जाएगा। तो इस तरह से कई बड़े ऐलान जो है वो बजट में किए गए थे जो कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में शराब और बिजली का जो है वो नया रेट लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब और बिजली के नए रेट लागू करने की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है।
है, शराब के दामों में कुछ बढ़ोतरी जो है वो प्रदेश में हो सकती है, लेकिन बिजली के दामों पर सरकार जो है उपभोक्ताओं को सब्सिडी देगी, इससे आम उपभोक्ताओं को राहत रहेगी। लेकिन नई दरें जो है वो उन पर भी लागू कर दी जाएंगी जो नियामक आयोग ने जारी की है। तो नई दरें लागू होंगी, लेकिन जो उपभोक्ता हैं उन्हें ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, सरकार उनके तरफ से सब्सिडी जो है वो वहन करेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की जो महिलाएं हैं उन्हें अभी 1500 रुपये जो सरकार कांग्रेस सरकार की घोषणा है उसके मुताबिक अभी 1500 मिलने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मासिक रूप से ये 1500 रुपये देने की घोषणा तो सरकार ने कर दी, इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और इसमें जो सामाजिक न्याय विभाग के जिला कल्याण अधिकारी तहसील कल्याण अधिकारी हैं उनके कार्यालय में लाखों फार्म भी महिलाओं ने भर दिए हैं, परंतु इसके बाद इस पर अभी चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते जो है वो रोक लगी है। तो इस वायदे को पूरा करने में अभी थोड़ा समय लगेगा, 1 अप्रैल से इसे लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि चुनाव आयोग की रोक इस पर लगी हुई है। ऐसे में अभी महिलाओं को जो है वो आचार संहिता खत्म होने का इंतजार करना ही होगा। लगभग 5 लाख महिलाओं को इस लाभ को जो है वो दिया जाना है, जिस पर सरकार ने 887 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी पहले ही दे दी थी, मगर आचार संहिता के चलते अब ये मामला रुक गया है। वहीं 1 अप्रैल से सफर जो है वो महंगा हो जाएगा नेशनल हाईवेज पर, कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर व्यावसायिक वाहनों में सफर करना जो है वो महंगा होगा। कल से यानी 1 अप्रैल मध्यरात्रि से आज रात से ही सनवारा टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरों से शुल्क वसूला जाएगा, लेकिन ये अन्य वाहनों के लिए नहीं है, ये कमर्शियल वाहन जितने भी हैं उनका टैक्स जो है वो बढ़ रहा है। तो राहत की बात यह है कि इस बार कार, जीप, वैन और लाइट मोटर व्हीकल जो है उनका शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। कमर्शियल वाहनों के शुल्क में 5 से 10 रुपये तक की वृद्धि की गई है, इसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौर रहे कि कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर परमाणु सोलन फोरलेन में सनवारा टोल प्लाजा NHAI की ओर से स्थापित किया गया है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल में टोल प्लाजा का शुल्क जो है वो बढ़ाया जाता है, पास भी महंगा हो गया है। 20 किलोमीटर क्षेत्र में पंजीकृत वाहनों को भी अब 340 रुपये देने होंगे। वर्तमान में टोल कलेक्शन का कार्य रिद्धि सिद्धि एसोसिएट की ओर से यहां पर किया जा रहा है, आगामी दिनों में भी यही कंपनी टोल शुल्क वसूलने का कार्य करेगी। तो कंपनी को NHAI ने सिस्टम को अपडेट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। फास्टैग लगे वाहनों को सामान्य दर से भुगतान जो है वो करना होगा, जबकि बिना फास्टैग वाहनों को दोहरा शुल्क अदा करना होगा, इसी तरह की व्यवस्था यहां पर रहेगी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से अपना रुख बदल दिया और बड़ी बात यह है कि मार्च का महीना आज खत्म हो रहा है, अप्रैल महीना शुरू हो रहा है और अप्रैल के महीने में हिमाचल प्रदेश में गर्मियां होनी जो है वो शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में फिर से हिमपात हुआ है। लाहौल स्पीति के गोंदला, कुकुमसेरी और केलांग में जो है वो बर्फबारी हुई बताई जा रही है। लाहौल स्पीति के गोंदला में 21.8 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज की गई। किन्नौर के कल्पा में भी रिकॉर्ड हिमपात जो है वहां पर दर्ज किया गया। शिमला, कुल्लू, मंडी और चंबा में 1-2 स्थानों पर आज ओलावृष्टि भी देखी गई है। तो बारिश, ओलावृष्टि और हिमपात होने से प्रदेश भर का तापमान जो है वो इस वक्त लुढ़क चुका है। सुबह और शाम के समय जो है वो काफी ज्यादा ठंड है और अब दिन में भी जो है वो ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। कल्पा, भरमौर का न्यूनतम तापमान जो है वो 0 में चल रहा है। प्रदेश में 1 और 2 अप्रैल को मौसम साफ बना रहेगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र से जो है वो जानकारी मिली है। और 3 से 6 अप्रैल तक फिर से बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, इसका येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में इस ठंडे मौसम का मजा लेने के लिए काफी ज्यादा संख्या में जो है वो टूरिस्ट भी यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। टूरिस्ट को उम्मीद है कि कहीं अप्रैल के महीने में भी शिमला या कहीं अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वो बर्फबारी हो जाए और बर्फ देखने के लिहाज से वो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन मैदानी इलाकों में जिस तरह से दूसरे राज्यों में गर्मी का मौसम है, उसकी अपेक्षा जो है वो शिमला या हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में ठंड का एहसास यहां पर हो रहा है, जिसका पूरा मजा लेने के लिए यहां पर लोग, सैलानी जो है वो लगातार पहुंचने लगे हैं। तो शिमला की बात करें तो शिमला में काफी ज्यादा संख्या में टूरिस्ट इस वक्त पहुंचा हुआ है। कृषि और बागवानी पर जो है ये मौसम की मार जो है वो काफी ज्यादा पड़ रही है। स्टोन फ्रूट है, उसके बाद अब नाशपाती पर भी जो है वो बारिश का काफी असर देखने को मिल रहा है। नाशपाती के पौधों में फ्लावरिंग का क्रम जो है वो चल रहा है। बारिश, ओलावृष्टि, ठंड से सेटिंग पूरी तरह से प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब के पौधों में पिंक स्टेज जो है वो शुरू हो चुकी है। बारिश, ठंड जो है वो सेब की फ्लावरिंग के लिए इस वक्त नुकसानदायक है। तो बागवानों की चिंता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि स्टोन फ्रूट और जो दूसरे फल हैं उनके लिए ये मौसम जो है वो फिलहाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है।